तो गाइस अब हम ओला के भरोसे आ गए हैं एंड पीसी के ऑफिस में, जहां पर ट्रिगर्ड इंसान की अभी करंटली मशीन लिक्विड कूल हो रही है। सबसे पहले पिछली बार से क्या हमने अलग करा है? सबसे पहले तो जीपीयू तो हुआ ही था लास्ट टाइम लिक्विड कूल, बट अब की बार हमने सीपीयू भी लिक्विड कूल करा एंड वी स्वॉप्ड आउट हिज i7 8th जनरेशन फॉर राइजन 9 1500X। तो परफॉर्मेंस तो बहुत ही अंत लेवल होने वाली है। तो राइट नाउ लेट्स हेड इन ओवर टू आवर ऑफिस एंड सी एक्चुअली में हमारे इंजीनियर्स ने क्या कमाल करा। तो ये है हमारा छोटा सा असेंबलिंग एरिया। मुक्ति भाई क्या चल रहा है आज? ये जस्ट अभी खुला, ये अपग्रेड होगा और ये वाटर कूल बनेगा। इसमें वाटर कूल होगा इसमें। जब बात कर लेते हैं इस पीसी की जान के बारे में, यानी कि कंपोनेंट्स के बारे में, जिसको नहीं पता निश्चय भाई के पीसी में लास्ट टाइम छोटा सा पटाखा बज गया था बूम करके, यानी कि उनकी जो RM850 पावर सप्लाई थी जो पिछले 5 साल से यूज कर रहे थे उसमें शॉर्ट हो गया था। पावर सप्लाई हमने चेंज नहीं करी, इट वॉज फ्रॉम हिज ओल्ड बिल्ड जिसमें 3-4 मीटर की डस्ट जमी हुई थी, साफ बिल्कुल नहीं कर रहे। दैट्स वाई वी हैव दिस टाइम अराउंड वी हैव चेंज द पावर सप्लाई कम्प्लीटली। 850 से 1000 वॉट का हमने जंप करा है। वी हैव करंटली यूज एनटेक का HCG 1000 वॉट का पावर सप्लाई। Now let's talk about the core components which we'll be using in this build. ये है, this is the star of the show, the AMD Ryzen 9 1500X, अगर आप देख पाएँ तो। तो this is the processor we'll be switching out. पहले इस मशीन में था i7 8th gen, which is a very very pretty old processor, तो we'll be changing that. Apart from this, ये देख रहे हो, ये चीज़ देखने को नहीं मिलती आज के टाइम में। विल बी यूजिंग ASUS का EKWB कंपनी फिटेड ब्लॉक वाला 3090, जो कि लिक्विड कूल होने वाला है, इंक्लूडिंग द प्रोसेसर। प्रोसेस को लिक्विड कूल करने के लिए वी आर यूजिंग हमारा बिस्की की तरफ से आने वाला आइस ड्रैगन वाटर ब्लॉक, 15 AM4 सॉकेट के साथ सपोर्ट होने वाला ऑब्वियसली। नाउ प्रोसेसर हमने चेंज करा है तो ऑब्वियसली हमें मदरबोर्ड भी चेंज करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो इससे ऊपर कुछ है ही नहीं आज के टाइम में। वी हैव यूज द ASUS ROG Maximus 8 Hero। इस मदरबोर्ड से ऊपर आज के टाइम में कोई मदरबोर्ड नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल एस्थेटिक्स। हम लोग लिक्विड कूल कर रहे हैं तो कलर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लास्ट टाइम हमने क्लियर नियॉन ब्लू कलर का फ्लूइड यूज़ करा था, दिस टाइम वी हैव स्विच द थिंग्स एंड वी आर यूजिंग EK की तरफ से आने वाला क्रायो फ्यूल मिस्टिक फॉग। वाइट कलर का क्लाउडी कूलेंट है ये, तो इट्स गोना गिव अ वेरी वेरी गुड एस्थेटिक लुक टू दिस पीसी। नाउ लेट्स डू अ स्मॉल छोटा सा टाइम लैप्स करते हैं, लेट्स सी कि व्हाट इज मुक्ति भाई एक्चुअली डूइंग हियर। लेट्स कट इट आउट। So guys, now we are back at Ant PC office. It is day number 2. Last night हमारे मुक्ति भैया जो हमारे प्राइम इंजीनियर हैं उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी तो he had to leave early. But आज सुबह मुझे कॉल आया मुक्ति भैया का, he said कि द मशीन इज़ रेडी, इट हैज़ बिन टेस्टेड, इट इज़ करंटली बींग टेस्टेड विद मिस्टर ध्रुव गुरुंग, DJ Player 1, हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा फेमस है, छाए रहते हैं हर जगह। तो उनके पास अभी मशीन है एंड ही इज़ करंटली टेस्टिंग इट। तो लेट्स हेड इन ओवर टू आर ऑफिस एंड लेट्स मीट मिस्टर ध्रुव गुरुंग। इसको छुपाओ। और ध्रुव जी क्या हाल हैं? इसको छुपाओ यार। ओली गर्व शर्मा के टीचर क्या कर रहे हो यार? पीसी लेने आए हैं। हो गया पीसी रेडी? हो गया पीसी रेडी? हो गया है ऑलमोस्ट। एंड तरुण भाई आए हैं तो गाइस जिसको नहीं पता, आप लोगों, हम लोग बड़े बड़े लोगों के पीसी बनाते रहते हैं। हमने रॉनी का पीसी बनाया, हमने ट्रिगर्ड इंसान का पीसी बनाया, यहाँ पर मेरा भी पीसी बना है। बट हम लोग अब की बार छत फाड़ने वाले हैं। राइट नाउ इन द स्टूडियो इन द हाउस वी हैव मिस्टर सिद्धू मूसेवाला सिटिंग राइट हियर। ये देखिए, ये अपना पीसी बनवाने का वेट कर रहे हैं। तो जोक्स अपार्ट, ध्रुव जी पीसी रेडी हो गया? हाँ। कितने बजे हो गया था सुबह आज? हो गया था बट टेस्टिंग प्रोटोकॉल से टेस्टिंग चल रही थी।
जिसको नहीं पता, वी डू इंटेंसिव टेस्टिंग हियर हियर एट एंड पीसी एज वेल एज एट एसएमसी। जितने पीसी जाते हैं सबसे पहले 8 घंटे टेस्ट होते हैं, तभी वो डिस्पैच होते हैं। तो अभी टेस्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं, आरजीबी सिंक हो गई है, आरजीबी के नशे पूरे हैं इस पीसी के अंदर। गाइस स्टे ट्यून्ड, दिस पीसी लुक्स ब्यूटीफुल। अभी निश्चय के पास जाएंगे, हम लोग निश्चय के पास जा रहे हैं राइट। अभी हम प्रीमियम कस्टमर है, 1 मिलियन कस्टमर है तो जाना बनता है। तो अभी विल जस्ट पैक दिस पीसी अप, इसको भरेंगे गाड़ी के अंदर, अपने आप को भरेंगे गाड़ी के अंदर, एंड विल ड्राइव ऑफ टू निश्चय प्लेस, विल शो दिस पीसी टू हिम। छोटे से सिनेमैटिक्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, एंड विल ट्राई टू रिकॉर्ड हिज ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दिस पीसी एंड हाउ वाज द सर्विस ऑफ एसएमसी एंड एंड पीसी। तो चलें ध्रुव, डन, लेट्स गो गाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं निश्चय के पास। हमने थोड़ी देर पहले ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज हम फिर से उनका एड्रेस रिवील नहीं करना चाहते पब्लिक को। तो वी आर ऑन द वे, बहुत बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, दिल्ली का ट्रैफिक, मोतीला ट्रैफिक, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू मेक आर वे। बाकी सिद्धू मूसे वाला हमारी गाड़ी चला रहे हैं, यू कैन सी हिम। सर शक्ल तो दिखा दो, दिल दानी माड़ा सिद्धू मूसे वाला। बाकी कैमरे पे हमारे मिस्टर डीजी प्लेयर वन है ध्रुव गुरुंग, एक लड़का हमारे ध्रुव राहुल जी एक और हैं द कैमरा एक्सपर्ट। उनको हमने बोला था बाइक घर पे छोड़ के आए, बट वो फिर भी बाइक ले आए हैं, तो वो अपनी बाइक पे जा रहे हैं दिल्ली के ट्रैफिक में। तो अभी उतरेंगे तो आई थिंक ही विल बीट मी टू अ पल्प, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो देख सकते हैं रात हो रही है, गाड़ी लॉक कर दी गई है, एंड वी आर अंडर हिज प्लेस। अभी आ रहे हैं नीचे, तो आते हैं तो मिलवाते हैं आपको। एड्रेस हम दिखाना नहीं चाहते फिर से, तो बीटी मिलेगी। अगर आइडिया लग भी रहा है तो आइडिया भूल जाइए, भूल जाइए। हाँ, यहाँ से नहीं लगा आपको पता। और हम अब ये बात करते हैं कि फाइनली अब जो फाइनल जो पीसी उनके सामने आया है, जो फाइनल आउटपुट उनके सामने आया है, वो उनको कैसा लग रहा है। और बाय द वे ये पीसी जो बन रहा है वो कलैब है एसएमसी एंड पीसी के साथ, तो प्लीज आप बताइएगा कैसा आप। आई विल जस्ट से दैट के थैंक्स टू यू गाइस, ऑनेस्टली मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, पीसी यहीं से पिकअप हुआ एंड उसके बाद पूरा फिट वगैरह करके वापस मिल गया है मुझे। हाँ तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा मुझे एक बार पहले भी लगा था 2 महीने पहले। तो आई एम जस्ट होपिंग कि अभी मैं ज़्यादा you know, खुश ना हूँ, एक दो हफ्ते एक दो महीने चल जाइए अच्छे से, तभी उसके बाद मैं फिर you know, आई विल बी हैप्पी अंदर से कि ओके फाइनली अभी ये नहीं फूक रहा है, इसका पीसी यूनिट क्या पावर सप्लाई यूनिट जो है वो नहीं फूकने वाला है। तो you know, ज़्यादा जल्दी खुश नहीं होते, बट अभी एटलीस्ट इट लुक्स वेरी गुड, you know, दिखने में तो बहुत ही क्लास लग रहा है, तो फिंगर्स क्रॉस्ड होपफुली सही जाए इस बार सब। तो आज के लिए बस इतना ही, इससे पहले कि लात मार के मुझे ट्रिगर बाहर निकाल दे,
तो आज के लिए बस बंद करते हैं, हम जल्दी इसका फॉलोअप लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आई थिंक विद इन अ मंथ और टू मंथ। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जो है डीजे प्लेयर वन। बाकी एसएमसी और एनपीसी भी आ जाएगा, वहाँ भी कर देंगे तो चलेगा। और हम लोग जल्दी मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं कुछ और इन्फॉर्मेटिव और डिस्कसिंग बात।